दो फरिश्ते थे, सफर करते हुए सोचा कि कहीं रुककर आराम कर लिया जाए, तो एक अमीर इंसान के वहां पे जाके रुके और पूरा ही परिवार था जिसका व्यवहार काफी रूखा सूखा लगा उन्हें। इतना बड़ा सा घर था लेकिन सबसे छोटे कमरे को दिया उन फरिश्तों के लिए। सबसे छोटा कमरा जिसकी फर्श भी बहुत कड़क थी और ठंडी भी थी, और उसी पे सोते रहे और ओढ़ने के लिए चद्दर भी नहीं दी थी। अब जो दोनों में से बड़ा फरिश्ता था उसने दीवार के अंदर एक छेद था उसे रिपेयर कर दिया। छोटा फरिश्ता देखते रह गया और उसने बूढ़े फरिश्ते से पूछा, इन्होंने हमारे लिए क्या व्यवस्था की और तुम इनकी चीजें रिपेयर करके क्यों दे रहे हो? बूढ़े फरिश्ते ने धीरे से कहा, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। ये लोग आगे बढ़े, अपना सफर आगे बढ़ाया और दूसरे दिन जब रुके तो एक गरीब इंसान के वहां चले गए। किसान था और किसान के साथ उसकी पत्नी, दोनों ने ही अपना बिस्तर उन फरिश्तों को सोने के लिए दिया और खुद बाहर ठंड में सोते रहे। लेकिन अगली सुबह इन दोनों ही फरिश्तों की नींद खुल गई जब किसान जोर जोर से रो रहा था। देखा तो उसकी एक लौती गाय बिल्कुल हिल नहीं रही थी और वहीं पर पड़ी हुई थी। किसान फूट फूट के रोने लगा कि मेरे पास सिर्फ खेती बाड़ी थी और उसके अलावा मेरा घर चलाने के लिए एक ही जरिया था, वो थी ये गाय, ये भी मुझसे छिन गई। तब छोटा फरिश्ता बूढ़े फरिश्ते की ओर देखने लगा और कहा कि आपके रहते हुए मैं कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन आपने आपने क्या किया? आपने इस किसान की मदद तक नहीं की, उसकी एक लौती गाय, और आप उस अमीर इंसान के वहां पर उसकी दीवार रिपेयर कर रहे थे? फरिश्ते ने कहा, मैंने पहले भी कहा था, जो दिखता है वैसा होता नहीं है। जहां तक इस किसान का सवाल है, मैं कल देर रात तक जगा हुआ था, मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैंने देखा मौत का सौदागर जब किसान की जान लेने आया तो मैंने उसे मजबूर कर दिया, उसके बदले गाय की जान लेने को कहा। और जहां तक उस अमीर इंसान के वहां दीवार ठीक करने की बात है, मैं तुम्हें बता दूं, मैंने दीवार के पार देख लिया था, उस छेद के जरिए देख लिया था। उसने अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा सोना उस दीवार के पीछे छुपा कर रखा था और एक चिन्ह छोड़ा था, वो एक छोटा सा छेद। मैंने वो छेद ही भर दिया, अब ढूंढता रहेगा अपनी संपत्ति जीवन भर या तोड़ देगा अपना पूरा घर। अर्थात कभी कभी चीजें हमारे विरुद्ध दिखाई पड़ती है लेकिन ऐसी होती नहीं है। और जहां तक इस स्टोरी का सवाल है, इंसान को बेहतरीन बनने की कोशिश तो करनी चाहिए। बेहतरीन इंसान सिर्फ अपने लव से और अपने कर्मों से जाना जाता है। बाकी अच्छी बात है तो दीवार पे भी लिखी होती है और फेसबुक की वॉल पे भी। सलाम, दुआ, वणकम, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम छो, सारू छे, अमदावाद आखुई मारू छे, अर्चना की ओर से।